हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनिरुद्ध फ्रॉम आदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर 8। चैप्टर नेम है एनिमल्स यानी कि जानवर। तो हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ेंगे एनिमल्स के बारे में, उनके हैबिटेट के बारे में, यानी कि जो जीव हैं, जो जानवर होते हैं वो कहाँ रहते हैं, किन किन जगहों पर उनका आवास होता है, तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, एरियल, आर्बोरियल और एम्फीबियंस के बारे में, और उसके आगे हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जो जानवर होते हैं उनके अंदर कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो उसके अंदर हम बेसिकली करेंगे मूवमेंट्स इन एनिमल्स, ब्रीथिंग और ईटिंग हैबिट्स। तो शुरू करते हैं चैप्टर 8 एनिमल्स। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि दुनिया के अंदर क्या है, इस धरती के ऊपर बहुत से तरह के अलग अलग जीव हैं। दे आर डिफरेंट इन साइज, शेप एंड कलर। सभी जीवों का जो आकार है, आकृति है और उनका जो रंग है वो अलग अलग तरह का होता है। दे आर फाउंड एवरीवेयर, और जो जीव हैं, जो जानवर हैं, वो हर जगह पाए जाते हैं। वी हैव गिवन डिफरेंट नेम्स टू डिफरेंट एनिमल्स, तो हमने क्या है कि अलग अलग जीवों को, अलग अलग जानवरों को अलग अलग नाम दिए हैं। वी ऑल्सो डिवाइड देम इन टू ग्रुप्स, हमने जितने भी जीव हैं उनको ग्रुप्स के अंदर भी, यानी कि समूह के अंदर भी डिवाइड कर दिया है। डिवाइडिंग एनिमल्स इनटू ग्रुप्स इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, तो जितने भी जानवर हैं उनको समूह के अंदर रखना या ग्रुप्स के अंदर रखना क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी कि जीवों का वर्गीकरण। तो यहाँ पे आप कुछ फोटोज देख रहे होंगे जो कि अलग अलग तरह के एनिमल्स की दिखाई हुई है, जैसे कि काऊ है, लायन है, शीप है, ईगल है, फिश है। तो ये अलग अलग तरह के जीवों का फोटो आपको दिखाई दे रहा होगा। द एनवायरमेंट इन विच एन एनिमल लिव्स इज रेफर्ड टू एज इट्स हैबिटेट, इस पर्यावरण के अंदर कोई भी जीव, कोई भी जानवर जिस जगह पे रहता है तो वो जगह उसका आवास होता है, यानी कि रहने का स्थान होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट। ए हैबिटेट इंक्लूड्स बोथ द बायोटिक एंड अबायोटिक कंडीशंस ऑफ द एनिमल्स एनवायरमेंट, तो जो जानवर जहाँ पे रहता है उसको हम हैबिटेट कहते हैं, और हैबिटेट जो है उसके अंदर दोनों ही तरह की कंडीशन होती है, यानी कि वहाँ पे बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही तरह की कंडीशंस अप्लाई होती हैं। बायोटिक का मतलब होता है कि जो वहाँ के उस जीव के चारों तरफ रहने वाले जो दूसरे जीव हैं, दूसरे तरह के जो जानवर हैं या प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, और एबायोटिक के अंदर कि वहाँ पे जो पर्यावरण है वो किस तरह का है, यानी कि वहाँ पे एयर किस तरह की है, वाटर अवेलेबल है कि नहीं है, यानी कि जल वहाँ पे है या नहीं है, इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर कितना रहता है वगैरह, तो ये सब एबायोटिक कंडीशन है, यानी कि अजैविक घटक होते हैं। एबायोटिक कंडीशंस ऑफ एनिमल्स एनवायरमेंट इंक्लूड ए ह्यूज रेंज ऑफ करैक्टरिस्टिक्स, एग्जाम्पल ऑफ विच आर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर। तो एबायोटिक के अंदर कौन कौन से हम फैक्टर्स पढ़ते हैं, जैसे कि तापमान है, नमी है, या फिर वायु के बारे में, और भी बहुत से तरह के एबायोटिक कंडीशन हो सकती है, जैसे कि रेनफॉल है, या उस जगह पे कितना सनलाइट फॉल हो रही है, तो ये सब क्या है, एबायोटिक कंडीशंस होती हैं। उसके बाद है हम हैबिटेट के बारे में पढ़ लेते हैं कि हैबिटेट क्या है और कौन से तरह के हैबिटेट में किस तरह के जीव पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट, दैट इज़ द प्लेस वेयर दे लिव, एनिमल्स आर क्लासीफाइड इन टू, तो कोई भी जीव जिस जगह पर रहता है तो इसके आधार पर हमने जीवों को अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया है, यानी कि जो जीव धरती पर रहते हैं उनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल, यानी कि जो बेसिकली इस धरती के भूमि के ऊपर रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय जीव कहते हैं। दूसरे हैं वो हैं एक्वेटिक, यानी कि जो जल के अंदर यानी कि पानी के अंदर रहते हैं उनको हम एक्वेटिक या फिर हिंदी में हम कहें तो जलीय जीव कहते हैं। थर्ड है एरियल, यानी कि जो ऐसे जीव जो ज़्यादा अपना समय जो है वो हवा के अंदर बिताते हैं, यानी कि जैसे पक्षी हैं, बर्ड्स हैं, तो वो ज़्यादा समय हवा के अंदर ही रहते हैं तो उनको हम एरियल कहते हैं। फोर्थ है आर्बोरियल, ऐसे जीव जो पेड़ पौधों के ऊपर रहते हैं उनको हम आर्बोरियल कहते हैं, जैसे कि चिंपैंजीज हैं या फिर मंकीज हैं, तो वो आर्बोरियल हैं। और फिफ्थ वन है एम्फीबियंस, यानी कि जल स्थलचर, यानी कि ऐसे जीव जो पानी में भी रहते हैं और पानी से बाहर धरती के ऊपर भी रहते हैं, जैसे कि फ्रॉग। तो इन्हीं के बारे में हम थोड़ा डिटेल से और पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरे मींस अर्थ, टेरेस्ट्रियल मींस ऑफ द अर्थ, यानी कि टेरे का इस
जो शब्द है ये टेरेस्ट्रियल वर्ड है, इसका मीनिंग बताया गया है, जिसमें टेरे का मतलब होता है धरती और टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है धरती के ऊपर, यानी कि धरती पर रहने वाले जीव। एनिमल्स विच कैन लिव ओनली ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, यानी कि ऐसे जानवर या ऐसे जीव जो सिर्फ धरती के ऊपर रहते हैं, यानी कि भूमि के ऊपर रहते हैं, तो उनको हम टेरेस्ट्रियल यानी कि स्थलीय जीव कहते हैं, जैसे कि डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर, काउ, फॉक्स, कैमल, एलिफेंट एट्सेट्रा। तो ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सब क्या है, धरती के ऊपर रहते हैं। सेकंड है एक्वेटिक एनिमल्स, यानी कि जलीय जीव, यानी कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं। एनिमल्स विच लिव और ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक एनिमल्स, तो ऐसे जानवर जो पानी के अंदर रहते हैं, तो ऐसे जीवों को जलीय जीव या फिर एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। द टर्म एक्वेटिक कैन बी अप्लाइड टू एनिमल्स दैट लिव इन आइदर फ्रेश वाटर और सेलाइन वाटर, तो ये उन सभी जीवों के लिए है जो चाहे फ्रेश वाटर के अंदर यानी कि बिल्कुल साफ जल के अंदर रहते हों, या फिर सेलाइन वाटर यानी कि जो चाहे लवणीय जल के अंदर, यानी कि ऐसा पानी जिसमें नमक की मात्रा या साल्ट की मात्रा अधिक हो, तो ऐसे पानी में रहते हों, तो दोनों ही तरह के जो जीव हैं उनको हम एक्वेटिक एनिमल्स ही कहते हैं। तो फ्रेश वाटर कौन सा होता है, जैसे कि रिवर वाटर है, लेक है, यानी कि जो नदियां हैं, तालाब है, झरने हैं, तो इनका जो पानी होता है, जल होता है, वो फ्रेश वाटर होता है। और सेलाइन वाटर के अंदर आ जाता है सी वाटर बेसिकली, यानी कि जो समुद्र का पानी होता है उसको हम सेलाइन वाटर कहते हैं, यानी कि लवणीय जल होता है, तो उसमें रहने वाले जीव भी एक्वेटिक एनिमल्स ही कहलाते हैं। दीज एनिमल्स सर्वाइव इन द वाटर बॉडीज ओनली, तो ये जो जीव हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ये सिर्फ पानी के अंदर ही रह सकते हैं, देयर फोर दे आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स, तो पानी में रहते हैं, जल के अंदर रहते हैं, इसीलिए इनको एक्वेटिक एनिमल्स कहा जाता है। तो एग्जाम्पल क्या है, फिश हैं, व्हेल्स, डॉल्फिन, स्टिंगरे, सी हॉर्स एट्सेट्रा। तो ये कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि मछली होती है या व्हेल है, डॉल्फिन है, स्टिंगरे है, सी हॉर्स है यानी कि दरियाई जो समुद्री घोड़ा होता है। तो जितने भी ये जीव हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और भी बहुत से तरह के आपने एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, कल हम करेंगे इसके अंदर आगे के जो टॉपिक हैं, जैसे कि आर्बोरियल है, एरियल है, एम्फीबियंस है, तो उनके बारे में हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।